चीज बोली थी, अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको भाई ब्रेन कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप अगर प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपने वो चीज फील करी होती है, तो वो नॉलेज जो रहती है, वो जो आपका एक्सपीरियंस रहता है, वो आपका बाई हार्ट निकलता है। तो वो मेरी खुद की देखी हुई एक वीडियो जो कि मैंने देखी थी, कई बार क्या होता है ना कि वो जो जो वीडियो बहुत ही गंदी तरीके से, मतलब मैं अगर क्लियर बताऊं तो उसमें ना जैसे अपना कचरा, जो आप देखा होगा गाड़ियां वगैरह जा रही है, कचरा जा रहा है, आपने देखा होगा हम पैड ज्यादा टाइम तक अगर यूज करते तो थोड़ी टाइम में ही उसमें एक बैड स्मेल आने लग जाती है। उसका कारण मुझे बाद में समझ में आया था कि ये चीज ऐसी होती है इसीलिए, उसमें क्या रहता है ना, जब कचरे को बारीक 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 फॉर्म में अलग अलग टुकड़ों में पीस के जो उसको एक पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया गया था उस में, देन उसको क्या है ना कि एक पतली लेयर बना के उससे सैनिटरी नैपकिन। अब बताइए जब हम ऐसी चीजें यूज करेंगे तो रैशेस होना स्वाभाविक है, स्मेल आना स्वाभाविक है, जो चीजें हम फेंक रहे हैं वही कहीं ना कहीं रिटर्न होके हमारे पास आ रही है। तो अगर हमें ये चीज नेचुरली है और इन सब चीजों से फ्रीडम हमें मिल रहा है, तो मेरे लिए मैं ये कहना चाहूंगी बहुत बेस्ट है। और आप हर इमेज जो भी आज हमारे इस उस है यहाँ पर व्यूअर्स है, मैं स्पेशली इस प्रोडक्ट के लिए रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप आपका सैनिटरी नैपकिन जो है वो एक बार चेंज करके जरूर देखें। आप जो यूज कर रहे हैं और जो ये यूज करेंगे उसमें आपको खुद से फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और जब आपको स्टार्ट हो जाए तब आप दिखाइएगा। और खुद का ध्यान भी जरूर रखिएगा, क्योंकि नारी के मतलब लेडीजों की सबसे मेन बात पता है क्या रहती है ना, वो कभी भी खुद का ध्यान नहीं रखती। फैमिली को मैं सबका ध्यान रखने के लिए इतनी वो हो जाती है, बेचैन हो जाती है, सुबह क्या बनाना है, किसके लिए क्या करना है, घर की सफाई करनी है, ये करना है, सब चीजों में। फिर अगर वर्किंग में है तो बाहर जाना है, वहां पे प्लान आउट भी हमें करना है। तो जब हम खुद का ही ध्यान नहीं रख पाएंगे तो हम दूसरों को कैसे सही रख पाएंगे, हम किस हमें कोई हक नहीं है, लिटरली बोल तो हमें कोई हक नहीं है। अगर हम खुद का ध्यान नहीं रख सकते तो हम दूसरों का ध्यान रखने का हमें हक नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आप अगर अच्छे हो तो आप इतना दूसरों का अच्छा कर पा रहे हो उससे ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो अगर इनके से आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, या कोई अगर किसी प्रॉब्लम से आप गुजर रही हैं, कोई डिसीज से गुजर रही हैं, तो आपको मैं स्पेशल रिकमेंड करना चाहूंगी। कंपनी ने हमें सजेस्ट किया है, ओके जी, हमारे कंपनी ने हमें ऑलरेडी एक डॉक्टर की टीम बना के दी है। कुछ प्रोडक्ट्स जो आप अगर क्लियर कर सकते हैं तो डॉक्टर राम कछावा जी सर से उनसे कर सकते हैं। अगर आपके पर्सनल फीमेल इशू हैं, कुछ आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास डॉक्टर सुशीला शेरावत मैडम जी हैं, उनका भी कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, आप जो भी अपलाइन है आप उनसे बिल्कुल, उनके साथ बैठिए, उनसे आप नंबर मांगिए, वो बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे। आप उनको बता करके, या फिर आपकी प्रॉब्लम सबसे पहले तो अगर आपके अपलाइन के पास ही है तो आप सबसे पहले उन्हीं से लीजिए, क्योंकि आपको खुद ही बेटर आपका क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप उनके साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे, वो आप बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर फीमेल इशू है, नारी शक्ति हमारे पास है, हमारे पास लेडी फाइन है, काफी सारे प्रोडक्ट्स है, थायराइड है तो नोनी है, बहुत सारी चीजें हमारे पास है। तो सबसे पहली मैं क्लियर बोलना चाहूंगी कि आप अपनी हेल्थ पे, अपनी चीजों पे भी चेंज करिए, और लिटरली अभी इस चीजों को यूज करिए,